अपग्रेड करवा दिया था, जैसे की आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस जीप के ना चारों तरफ ये ब्लैक वाली आर्मर प्लेट लगी हुई है और साथ के साथ यहाँ पर जितनी भी विंडोज है उसके ऊपर भी आर्मर प्लेट लगी है। मतलब की अगर कोई बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठा है तो फिर उस बंदे की मरने की तो बात ही दूर है, अगर उसके कोई एक गोली मार देना वो भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो अपनी गाड़ी है ना ये पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ है, इसके अंदर एक भी गोली नहीं लग सकती। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि बैनी ने इसको फायर प्रूफ भी बनाया था। मतलब कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, इसके आसपास कितने भी धमाके कर लो, इस गाड़ी में कितने भी आग लगाने की कोशिश कर लो, इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देखो, इस गाड़ी को इतना ज्यादा मॉडिफाई मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि हमें बिग माफिया के सीक्रेट बेस से लेसर को बचा के लाना था, क्योंकि उसने वहां पर उसे बिग माफिया के बेटे ने किडनैप करके धरा हुआ था। तो वहां पर हम लोग नॉर्मली इस गाड़ी में बैठ के गए और जितने बंदे थे उनको मारा और वहां पर जल्दी से लेसर को अपने साथ बैठाया, फिर वापस निकल गए। और बहुत गोलियां पड़ी थी, पुलिस वाले पीछे पड़ गए थे। तो जैसे तैसे हम लोग इस अजीब सी जगह पर आकर छुप गए थे। लास्ट टाइम मैं वेयर हाउस पर था तो भाई देखो, पुलिस वालों ने इस एरिया को चारों तरफ से पूरा का पूरा सील कर दिया है। आप लोग ना यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई है। सामने की तरफ में भी दो गाड़ी और बहुत सारे स्वैट सोल्जर्स भी यहाँ पर आ रखे हैं। मतलब कि ना लास्ट टाइम पुलिस वालों को शक हो गया था कि हम लोग किसी एरिया में आए हैं, तो सही टाइम पर लेसन ने जगह चेंज करने के लिए बोल दिया था। अब देखो यार, यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तीन चार रास्ते और चारों रास्तों में यहाँ पर पुलिस है, लेकिन सामने की तरफ में एक गली है, हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट यार मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मतलब ये जो गली है यहाँ पर कोई पुलिस वाला क्यों नहीं है भाई, इसके पीछे क्या राज है? आगे भी एक गली है, वहां पर तो पुलिस वाले हैं। एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं पीछे से निकलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता कोई ना कोई रास्ता निकल आए। भाई साहब उत्तरी से निकलो, भाई ये क्या हुआ? तो भाई पीछे की तरफ में कोई धमाका हुआ हो भाई साहब, लग रहा है भाई यहाँ पर पुलिस वाले अभी भी हमें ढूंढने में लगे हैं। और वहाँ पर ना पीछे कोई ना कोई धमाका तो हुआ है, मेरे को ढंग से नजर नहीं आ रहा। तो ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ना सामने की तरफ में देख पा रहे हो, किसी ना ट्रक का यहाँ पर मेरे को लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सही टाइम है, पुलिस वालों को ना अभी हमारे ऊपर ध्यान नहीं होगा। पीछे की तरफ में ना यार बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, तो यही सही टाइम है, जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और इनको देखो भाई साहब, यहाँ पर अपना फोन चलाने में लगा हुआ है और ये अपना लाइफ इन्वेडर चला रहा है बैठ के। अभी जल्दी गाड़ी में बैठो, यहाँ से निकलना है। मेरे हिसाब से हमारे ऊपर पुलिस वालों का पूरा ध्यान नहीं होगा इस टाइम पे। तो जल्दी से अभी ना मैंने इन दोनों को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया है। और यार मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड से एग्जिट करना चाहिए। अगर देखो, अगर एग्जिट करते समय पुलिस वालों ने हमें देख लिया तो फिर और भी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। मतलब कल की तरह दोबारा से पुलिस हमारे पीछे पड़ सकती है। तो अभी ना मेरे को एकदम चुपचाप से एग्जिट करना होगा। सामने की तरफ में चलकर देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पर ना पीछे की तरफ में पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई थी, अच्छा हुआ कि उन्होंने मेरे को नहीं देखा। तो गाइस अभी ना फटाफट से ये वाला जो एरिया ना थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, तो अपनी जो जीप है उसको मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ। लेकिन यार यहाँ से अगर मेरे को इस गाड़ी को बाहर निकालना होगा तो वो मैं कैसे निकालूंगा? खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पर जब पुलिस वालों का जो मामला थोड़ा सा शांत हो जाएगा ना तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी फटाफट ना सामने की तरफ में एक ट्रेन की पटरियां जा रही है, लेकिन यार ये वाला जो रास्ता ना ये चारों तरफ से बंद है भाई। अभी कोई ना कोई रास्ता तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। पीछे की तरफ में ना यहाँ पर एक सीढ़ी है, इसके ऊपर चढ़कर देखते हैं कोई तो रास्ता होगा। प्लीज यार जल्दी से कोई ना कोई अगर रास्ता जल्दी जल्दी मेरे को मिल गया ना तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, वरना हम लोग भाई साहब यहीं पर घूमते रह जाएंगे। वो देखो सामने की तरफ में ना ये वाली जो बिल्डिंग है शायद से ब्रिज से कनेक्ट है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर जंप मारूंगा तो मैं ब्रिज पे चले जाऊंगा। और ये दोनों कहाँ पर रहेगा भाई, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से आओ भाग भाग के। तो वो देखो अभी फिलहाल यहाँ पर लेसर तो भाग कर आ रहे हैं लेकिन ड्राइवर धीरे धीरे आ रहा है, तो जल्दी से मैं कूद के उस तरफ में चलता हूँ। और यहाँ पर ना एक वैन भी खड़ी हुई है किसी की, चलो भाई बहुत सही। अभी वो देखो सामने की तरफ में पुलिस वाले बैठे हैं, लेकिन पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि हम लोग ये अजीब से रास्ते से भी आ सकते हैं। तो कहीं सर मुझे ना यहाँ पर बैठे बैठे इतनी देर हो गई और ड्राइवर और लेसर पता नहीं कहाँ पर रह गए, समझ ही नहीं आ रहा। और सामने पुलिस है भाई, मेरे को लग रहा है ये दोनों मेरे को फंसवाना चाहते हैं, कहाँ चले गए ये लोग। ओ भाई साहब ये देखो लेसर नीचे बैठा हुआ है, लग रहा है ये लोग ना उस साइड से ही टाप के आ गए। कोई दिक्कत नहीं, तुम वहीं रखो, मैं जल्दी से अपनी वैन को ना नीचे घुमा कर ले आता हूँ। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते से नीचे निकल गए और सामने पुलिस है, जल्दी से ना अपने इसी ट्रक के पीछे अपनी वैन ले जाऊंगा ताकि ये लोग ना देख भी नहीं पाए। फटाफट से अपनी गाड़ी को इधर मोड़ लेता हूँ। चलो भाई अभी ना बहुत ही ज्यादा चतुराई से यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी जो मोड़ ली है। देखो ये आ गए ड्राइवर और लेसर कहाँ पर रह गया भाई, ये कौन कौन से रास्ते से आ रहे हैं, मतलब मेरे से भी ज्यादा सीक्रेट रास्ते से आ गए ये लोग तो। और ये देखो अगर मैं इधर से आता ना मुझे यहाँ पर भी एक वैन मिल जाती और साथ में एक सुपर कार भी इधर खड़ी हुई है। और ये क्या टू सीटर है क्या यार, पीछे वाली सीट पर बैठ जा, लेसर पीछे वाली सीट पर बैठने को राजी नहीं है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर ना सामने एक गाड़ी और खड़ी है, जल्दी से ना इस वाली गाड़ी को मैं निकालता हूँ। और अभी ना मेरे को दूसरे वाले रास्ते से यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा क्योंकि सामने पुलिस है और अगर पुलिस ने दिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और इस गाड़ी में सायरन नहीं बजा, अच्छा हुआ, वरना सायरन बजता तो पुलिस चेक करने जरूर आता कि आखिरकार गाड़ी किसने चुराई। अभी फटाफट से यहाँ पर लेसर जो हमारी
गाड़ी में आकर बैठ चुका है। मतलब यार इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी थी वो वैन, उसके अंदर लेस्टर नहीं बैठा भाई। लेस्टर के भी अपने अलग ही शौक है, तो भी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर से मैं नीचे कुदा दूं ना, कोई रिस्क तो नहीं है, पता चलो सीधा यहाँ पर धमाका ही होगा। नहीं नहीं नहीं, आराम से कूद गई अपनी गाड़ी, लेकिन ये पलटने का नाम नहीं ले रही। चलो भाई बॉस सही, तो चलो गाइस फाइनली हमारी जो गाड़ी है वो एकदम सही हो चुकी है, और अभी ना मुझे इस वाले रास्ते से ऊपर जाकर अपनी गाड़ी को यहाँ पर बाहर निकाल लेना है। चलो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पुलिस का ध्यान हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया। और अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा ट्रैवर के घर पर चलते हैं, क्योंकि ट्रैवर के घर के बारे में पुलिस वालों को नहीं पता। वहाँ पर चलकर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे करना क्या है, मतलब की अभी आपको पता होगा बिग माफिया के बेटे को हमने खत्म नहीं करा है, तो हो सकता है कि वो हम पे दोबारा अटैक करे। उन लॉस्ट गैंग के बंदों पे ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस टाइम वो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े बदमाश समझ रहे थे ना, उनको मैं बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। सबसे पहले ना अभी आज जाती लॉस्ट गैंग को मारूंगा। और देखो भाई साहब इस तरफ में भी पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी है, मैंने आपको कहा था ना ये वाला जो पूरा पूरा एरिया है ना पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया, मतलब सील कर दिया है, ताकि कोई भी अंदर ना ही अंदर आ पाए ना ही कोई बाहर जा पाए। तो चलो यार सही रास्ते से हम लोग बाहर आ गए, किसी भी पुलिस वालों ने हमें नहीं देखा। तो अभी ना सबसे पहले तो मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी, ये जो गाड़ी है ना भाई बहुत ज्यादा बेकार है, मतलब कितनी ज्यादा स्लिप हो रही है ना भाई, हल्की सी ब्रेक को टर्न दे दी सीधा दीवार में भिड़ रही है, और सामने की तरफ में पुलिस वालों की तो गाड़ी नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है। खैर तो भी जल्दी से चले गए सीधा ट्रैवर के घर पे। तो कहीं सर अभी फिलहाल मैं जाता सीधा ट्रैवर के घर पर, क्योंकि फ्रैंकलिन और अंडरवाटर माफिया भी वहीं पर है, तो आगे प्लानिंग डिस्कशन वहीं पर करनी थी। बट यार अभी ना ट्रैवर कह रहे कि सबसे पहले मेरे घर पर चले हो, क्योंकि यार आपको याद होगा लास्ट टाइम जो 500 मिलियन डॉलर सॉरी 600 मिलियन डॉलर का जो कैश था और बहुत सारा सीक्रेट बेस का जो गोल्ड था वो सारा का सारा अभी ना लेस्टर के घर पर ही है। तो हमें ना जाकर कंफर्म ये करना है कि वो अभी भी वहां पर है या फिर पुलिस वालों से लेकर जा चुके हैं। तो जल्दी से भी चलकर देखते हैं कि क्या हमें वो मिलता है या फिर नहीं। तो फिर फटाफट यार मैं भी ये बात सुनकर सीधा जाने वाला हूँ ड्राइवर के घर पर अपनी गाड़ी भगा कर। तो गाइस सर अभी फिलहाल अपनी गाड़ी भगाने वाले थे, पूछने वाला हूँ मैं सीधा लेस्टर के घर पर। और आप लोग ने यहाँ पर देख पा रहे हो अपनी गाड़ी इतनी ज्यादा बढ़िया चल रही थी, लेकिन पीछे की तरफ मैंने इसकी बहुत बुरी वाली टक्कर लगी और यहाँ पर इसने ड्रामे दिखाना शुरू कर दिया। मतलब यार ये देखो यहाँ पर जब भी मैं इसमें रेस दे रहा हूँ ना, इसका आगे वाला टायर जो बिल्कुल अटक जा रहा है। और यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात यह है कि लेस्टर के घर पर मैं काफी ज्यादा सेफली पहुंच गया हूँ, और सामने की तरफ में जिस ट्रक के अंदर अपना 600 मिलियन डॉलर का कैश था वो ट्रक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। एक बार ना पीछे की तरफ मैं देख कर आता हूँ कि जो गोल्ड ये लोग सीक्रेट बेस से लेकर आए थे वो गोल्ड यहाँ पर है कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पर जितने भी बैग थे उसमें से एक भी बैग मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और सामने की तरफ में पता नहीं किसका डॉग है भाई, भाई बार बार भौंके जा रहा है, कहीं टाप के इधर आके मेरे को काटने न लग जाए। एक बार मैं जल्दी से इसके अंदर चेक करता हूँ कैश है कि नहीं है। भाई मेरे को लग रहा है गोल्ड किसी ने चुरा लिया, क्योंकि वो भारी रखा हुआ था। कैश चेक कर लेते हैं किसी ने चुराया है या फिर नहीं। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो इस वाले ट्रक के अंदर ना 600 मिलियन डॉलर कैश जो एकदम सही सलामत पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर ना लेस्टर कह रहा है कि जो उसका पार्टनर है जो कि गोल्ड लोड करवा था, उसने ना कुछ बैग्स जो है ना इसके घर में रख दिए थे संभाल के, और जो बाकी बैग्स है वो बाहर रह गए थे। तो देखो भाई यहाँ पर जो 4 बैग्स ने घर के अंदर रखे थे फिलहाल वो तो सारे के सारे सेफ है, लेकिन जितना भी गोल्ड बाहर रह गया था वो सारा का सारा पुलिस लेकर जा चुकी है, या फिर पता नहीं किसी ने चुरा भी लिया होगा। तो ना अभी लेस्टर कह रहा है कि उसे ना इस घर में नहीं रहना, मतलब क्या उसे भी पता चल चुका है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। और वो ये भी कह रहा है कि यार माइकल तुम्हें भी अब ये जो जगह है ये जो शहर है थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो लेस्टर दो ऑप्शन दे रहा है, या तो अंडरग्राउंड हो जाओ या फिर किसी दूसरे शहर में चलो। तो देखो यार अंडरग्राउंड कौन रहेगा भाई, कुछ दुनिया ही नहीं बचेगी अगर हम लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। बट हाँ ये बात है अंडरग्राउंड जाने के बाद ना हम लोग पूरे सेफ हो जाएंगे। तो अभी मैंने लेस्टर को अंडरग्राउंड जाने से तो मना कर दिया, मैंने उसको बोल दिया कि हम लोग किसी दूसरे शहर में चलते हैं। तो यहाँ पर ना लेस्टर कह रहा है कि ना इसके पास एक घर और है जिसके लिए इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब इसका घर नहीं है वो उसको पैसे देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ना स्ट्रक के मैं गेट बंद करना भूल गया भाई, अभी पैसा चोरी हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। मान लो बाई चांस अभी हम इसे ऐसे खोल के चले जाते बंदे की तो चांदी लग जाती जो भी इसे सबसे पहले देखता। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना मैंने स्ट्रक के जो पीछे वाले ट्रंक डोर थे वो मैंने बंद कर दिया, और अभी हम जल्दी से जाने वाले किसी दूसरे शहर में कुछ नया घर देखने के लिए। अगर देखो लेस्टर ने मेरे को बोला था वो जो घर है ना बहुत ज्यादा सीक्रेट है, और वहां पर हमें पुलिस वगैरह से डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि पहली चीज वो जो जगह है ना बहुत ही ज्यादा एकदम अलग सी सुनसान सी जगह है, और दूसरी चीज ये है कि लेस्टर वहां पर बहुत ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी भी रखने वाला है। मतलब कि अगर एक बार को मिलिट्री पे आ जाए ना मिलिट्री के बंदों को भी वो लोग मार देंगे। तो भी फटाफट से उस जगह पर चलकर देख कर आते कि कैसी जगह है कैसा घर हमें मिलने वाला है। तो लेस्टर कह रहा है कि वो जो घर है ना यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है लेकिन यार बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो कि गाइस अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को हाईवे पर भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ डेजर्ट साइड पर, और यहाँ से भी अभी लेस्टर का जो सीक्रेट वाला हाउस है वो थोड़ा बहुत दूर है। मुझे पता क्या लग रहा था कि पहले हम लोग उस जगह पर जाएंगे घर को देखेंगे अच्छा लगेगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, लेकिन भाई लेस्टर पहले से उस घर को फाइनल करके बैठा हुआ है। बस वो ये कह रहा है कि एक बार तुम लोग भी देख कर आ जाओ फिर उस घर की जो हम पेमेंट कर उसे अपना घर बना लेंगे। तो भी ना जल्दी से भाई देख कर आते, अब घर तो बदल नहीं सकते, मतलब लेस्टर ने बोल दिया तो लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस्टर कोई भी डिसीजन अगर लेता है तो कुछ सोच समझ के ही लेता है। तो भी ना फटाफट से हम लोग वहां पर चलते हैं, और यार गूगल मैप्स में भी दिखा रहा है कि वो जो
अगर है ना थोड़ा बहुत दूर है अभी यहाँ से तो ज्यादा ना टाइम ना लगे, इसलिए अपनी गाड़ी को ना मैं अभी बहुत ज्यादा तेज भगाने वाला हूँ। मतलब कि यार बिल्कुल भी ब्रेक में लगाऊंगा ही, अब चाहे कहीं पर बैठोगे कहीं पर भी भिड़े, अपनी गाड़ी अब चलने वाली है बहुत ज्यादा तेज। तो ये देखो भाई यहाँ पर अंदर एंटर होने का रास्ता यहीं से है क्या? ओके ओके ओके, तो चलो भाई अंदर जाने का रास्ता मैं यहीं पर हूँ। सामने की तरफ में एक डॉग भी खड़ा हुआ है और मेरे को लग रहा है यहाँ पर बंदे भी है सिक्योरिटी के लिए। चलो भाई बहुत सही। और यहाँ पर ये गेट खोलने के लिए कोई भी वॉच गार्ड नहीं है भाई, क्या सीन है ये? मेरे को गेट तोड़ के जाना पड़ रहा है पहले दिन भी। तो थोड़ा सा ना मैं और आगे चलता हूँ और यहाँ पर पीछे की तरफ में एक स्नाइपर टावर है जिसके ऊपर हम लोग एक स्नाइपर बैठा देंगे ताकि अगर दूर से पुलिस आ रही होगी तो पहली चीज तो हमें इन्फॉर्म कर देगा और उनको मारना भी शुरू कर देगा। और सामने की तरफ में आप देख पा रहे हो कितना ज्यादा बड़ा सी है और काफी ज्यादा वंडरफुल यहाँ से नजारा हमें मिलने वाला है। और लेफ्ट में भी एक गाड़ी खड़ी हुई है। रास्ता कहाँ पर जा रहा है पहले मैं रास्ता देख कर आऊंगा, फिर यहाँ पर अंदर जाकर देखेंगे क्या सीन है। तो बाकी जो रास्ता है ना मेरे हिसाब से पीछे की तरफ में गया हुआ है। और भाई सर ये देखो यहाँ पर भी एक स्नाइपर टावर है, मतलब कि इस बार जो लेसन है सिक्योरिटी रखी है, चाहे बंदा एयर अटैक करे चाहे ग्राउंड अटैक करे और चाहे वाटर अटैक करे कहीं से भी हमें नहीं मार सकता है। लेकिन अगर उसे अंडरग्राउंड अटैक कर दिया तो भाई कुछ पता नहीं। खैर छोड़ो कोई नहीं, यहाँ पर इतना चेक कर लिया इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मिल रही है वो भी बहुत है। बाकी ना एक बार थोड़ा सा और आगे चलकर देख लेता हूँ भाई यहाँ से जो नजारे है ना यार वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। मतलब क्या ये देखो और यहाँ पर कुछ बंदे आए हुए अपना कैंप लगाकर रह रहे हैं। तो चलो यार अच्छी बात है, टूरिस्ट लोग हैं। अपना थोड़ा सा मैं वापस निकल लेता हूँ अपने घर की तरफ। बस यार देखो लेसन है ना घर इस जगह पर इसलिए लिया है क्योंकि ना पहली बात यहाँ पर किसी को शक ही नहीं होगी कोई रहता भी है, और अगर पुलिस वाले यहाँ पर आते भी हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा रास्तों से भाग भी सकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ना यहाँ पर वो देखो लेसन है ना हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ करवा रखा है। तो थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ। तो चलो भाई सर अभी फटाफट से मैं अपने घर की तरफ में वापस निकल लेता हूँ और अपना घर को अंदर से चेक करते हैं कि आखिरकार घर अंदर से देखने में कैसा है। और ये देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर वॉल भी बना रखे हैं लोगों ने और उसके ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लेसन ने धरे हुए हैं। मतलब कि ये ना सारे के सारे ब्लैक ऑप्स सोल्जर मेरे को लग रहे हैं जो कि शायद से पैसों के लिए काम करते थे। लेसन ने भी पैसे देखेंगे अपने अंडर कर लिया है तो अभी अपने पास भाई 600 मिलियन डॉलर पड़े हैं तो सारा का सारा पैसा इनके मुंह पे मारेंगे ताकि ये लोग हमारी सही से सिक्योरिटी करे। अब यार देखो कितने ज्यादा तगड़े यहाँ पर टैंक है, मिलिट्री वालों से भी तगड़े टैंक है। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना मैं यहीं पर पार्क करता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर ना साइड में रेंज रोवर की कॉपी खड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत ओपी लग रही है। तो भी फटाफट से मैं चलता हूँ थोड़ा सा अंदर और यहाँ पर गिटार विटार बजाने के पैसे मिल जाएगा। तुम्हें भाई लॉबस्टर देख ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग इनको यहाँ सैलरी देंगे, मैं देख रहा हूँ कौन कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पर जितने भी बॉडी गार्ड्स वगैरह वो गिटार बजा रहे खड़े हो गए। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पर घर के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से भाई? अच्छा सामने की तरफ से, वही मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं यार सामने से भी नहीं है, इधर गेट ही गेट लगे पड़े हैं, यहाँ से शायद से मेरे को लग रहा है जंप करके जाना पड़ेगा। ओके 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 सॉरी सॉरी, बाहर की तरफ से रास्ता है। तभी मैं कहूँ ड्राइवर क्यों नहीं आ रहा, ड्राइवर हमसे ज्यादा समझदार निकला। तो भी ड्राइवर हमारे पीछे आएगा और एक बार ना घर के अंदर देख कर आता हूँ कि घर आखिरकार इन्होंने बनाया कैसे है। मतलब क्या लेस्टर ने तो ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर रखा है क्योंकि लेस्टर इस घर को फाइनल करके गया कि ये लेना ही लेना है। और यहाँ पर ये बाहर की तरफ में कुछ असिस्टेंट बैठे हुए हैं तो पता नहीं इनका क्या सीन है। और यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं, कुछ ना अजीब सी मेरे को आवाज आ रही है, एक सेकंड, किसी अजीब सी मशीन की आवाज आ रही है। रुक जाओ थोड़ा सा और आगे मैं चलकर देखता हूँ। और ये क्या उल्टी सीधी चीजें रखी हुई है भाई लेस्टर ने, लेस्टर पर भी ये सब सामान है भाई, क्या बात कर रहे हो? तो चलो गाइस अभी ना थोड़ा सा मैं आगे चलकर देखता हूँ कि इस वाले गेट के अंदर क्या है। फिलहाल यहाँ पर भी पासपोर्ट लगा हुआ है लेकिन अभी मुझे एंटर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी सारे के सारे गेट ओपन है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस यार ये तो सर्वर रूम है। ओ भाई साहब ये भाई लेसर लग रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा तगड़ा करने वाला है। मतलब क्या यहाँ पर ना बहुत सारी अभी हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी है जिसके अंदर काफी ज्यादा डेटा स्टोर होगा और यहाँ पर इतने सारे सर्वर इसने कनेक्ट कर रखे होंगे ना भाई क्या ही बताऊं। अब भाई मुझे भी नहीं पता लेसर यहाँ पर क्या सोच के बैठा हुआ है, क्या करना चाहता है कुछ नहीं मालूम। लेकिन यार जो भी चीज इसने बनाई है ये बिल्कुल अपने हिसाब से बनवाई है। भाई घर के अंदर क्या होता है, बेड होता है, फ्रिज होता है और दो तीन रूम्स होते हैं। लेकिन भाई इस घर के अंदर क्या है, एक रूम के अंदर अलग अलग मशीनें पड़ी है, एक रूम के अंदर वेपन्स पड़े हैं। तो ये आ गया ऑफिस। चलो फाइनली अब जाकर मुझे एक रूम समझ आया है। तो यहाँ पर ये तो ऑफिस है और ये है लेस्टर का टेबल, लेकिन इसमें मैं बैठूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे लेस्टर भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर मैप दे रखा है जिसके अंदर लेस्टर जो पूरा पूरा प्लान हमें समझाया करेगा क्या करना है कैसे करना है। और यहाँ पर है काफी ज्यादा बढ़िया नजारे, मतलब कि यार आवाज ना घर के लोग बहुत ज्यादा बढ़िया। तो मेरे हिसाब से ये इतना ही बड़ा घर है कि और भी नीचे यहाँ पर इन्होंने बना रखा है। मतलब कि यार यहाँ पर हम सोएंगे खाएंगे कहाँ पर? तो यहाँ पर शायद से नीचे भी एक फ्लोर है। तो चलो नीचे चलकर देखते हैं, क्या पता यहाँ पर कुछ तगड़ा देखने को मिले। और देखो जो मैं कह रहा था ना मिलियन डॉलर्स की पेंटिंग्स, वो भी लेसर के पास यहाँ पर भरी हुई है। लेकिन ये तो बहुत महंगी होती है, लेसर के पास कंफर्म नकली वाली होगी। पता नहीं यार क्या सीन है, हो सकता है असली भी हो। तो थोड़ा सा मैं अंदर चलकर देखता हूँ यहाँ पर क्या सीन है। उतरी अंदर भी भाई यहाँ पर इतने सारे वेपन्स रखे हुए हैं। भाई लेसर ये क्या करना चाहता है भाई? ये देखो मैं